हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पुराज कराटे कपल। तो आज हम कैंपिंग कर रहे हैं जम्मू नत्था टॉप में। तो आप देख सकते हो सामने आपको ये, अभी मैं एक्चुअली यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना डिनर। डिनर में आज हमारी बन रही है खिचड़ी। दिन को लंच जो है हमारा हैवी हो गया था, तो हमने सोचा डिनर थोड़ा लाइट से हो जाए, तो हम खिचड़ी बना रहे हैं। तो अभी आप व्यूज़ देख सकते हो, एकदम पहाड़ों की बराबरी की ऊंचाई पे हम हैं। तो यहाँ पर हवा बहुत चल रही है, वो तो आपको शॉल देख के ही लग रहा होगा, मुझे ठंड लग रही है। वैसे तो अभी जो मौसम है वो जुलाई का है, जुलाई जो है वो चल रहा है, बट यहाँ पर बहुत ठंडा है। बहुत ही अच्छे सामने इतने सुंदर पहाड़ हैं कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है इनको देख देख के सोने का। तो अगर आप कभी नत्था टॉप आएँ तो हम आपको दिखा दें, सामने आपको दिख रहा होगा एक टॉवर, वो जो है नत्था टॉप, जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं, और कुछ लोग वहाँ पर भी कैंपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर आके कोई कैंपिंग नहीं करता है। यहाँ पर ये जो रास्ता सन्नासर को जाता है, और एक रास्ता और यहाँ पर एरो बना होगा नत्था टॉप के लिए, हम यहाँ आज ऊपर आए हुए हैं। तो यहाँ से व्यू नीचे से भी और भी ज़्यादा अच्छे हैं, चारों तरफ अलग ही अलग। मैं आपको सनसेट दिखाना चाहती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब ये अमेजिंग है कि हमें यहाँ पे सनसेट देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम इतना सुंदर सनसेट देखा है इतनी टॉप पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसकी आप सन रेज देखो, ऐसे जो हैं बादलों में कैसे जा रही हैं, मुझे तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आप ज़रूर बताना ये सनसेट का व्यू आपको कैसा लग रहा है। वैसे शायद पता नहीं कैमरा क्लैरिटी कैसी है, बट मतलब ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है चारों ओर, इतना सुंदर। और यहाँ से आगे जाके रोड जो है वो एंड भी हो जाता है, वहाँ पर आर्मी वालों का कैंप है या कोई स्टेशन है। तो आप हमारी वीडियो देख के मुझे ज़रूर बताएं सनसेट के लिए, मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि आपको कैसा लगा, और आप यहाँ आना पसंद करोगे या नहीं। तो अभी हमारा बेड वगैरह तो रेडी हो गया, वो हमारी गाड़ी लगी हुई है, तो डिनर बन रहा है, मैं डिनर देखती हूँ, तब तक आप व्यूज़ को देखो। ये लो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, हम उठ गए हैं, और जैसे ही उठ के हमने गाड़ी से बाहर देखा तो रोशनी हो चुकी थी, बट अभी सूरज नहीं निकला है। ये सूरज के निकलने से पहले जो रोशनी हो जाती है, 8 से 10 मिनट पहले ये वही रोशनी है। सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो जैसे ही हमने व्यू देखा तो हमने सोचा सबसे पहले तो ये आपको व्यू दिखाया जाए कि कितना अच्छा व्यू है। ऐसे लग रहा है जैसे ज़मीन से धुआं उठता हुआ ऊपर पहाड़ों की तरफ आ रहा हो, बट ये बादल है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आप देखो धीरे धीरे ये हमारे देखते देखते ही ना बादल बढ़ गए हैं, नीचे से ऊपर आए हैं बिल्कुल। अगर स्लो मोशन में आप देखो कैसे आगे जा रहे हैं बादल, बहुत ही सुंदर नज़ारा है वाकई में। शायद अगर हम इधर कैंपिंग ना करते हमें ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। वैसे तो हम नत्था टॉप जब भी आते हैं बादल उड़ ही रहे होते हैं, बट फिर भी ये बादलों का आना बिल्कुल हमारी आंखों के सामने, ऐसे लग रहा है हम हाइट पे कितनी है ये तो हमने आपको कल रात को दिखाया ही था, जैसे हम पहाड़ों से बातें कर रहे हो। और अभी आप देख सकते हो कि हम जिस हाइट पे है ना बादल नीचे लग रहे हैं, एकदम नीचे, तो ऐसे लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर ही आ गए हुए हैं। तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ अगर आप भी ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर जो है व्यू है, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ठंड बहुत है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, उठने का मन नहीं कर रहा था गाड़ी से निकलने का। अभी हम वेट कर रहे हैं सनराइज़ होने का, आप देख सकते हो बादलों में थोड़ी थोड़ी किरणें जो हैं वो बाहर आ रही हैं,
जल्दी सूरज बाहर आ जाएगा, हम आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर व्यू होने वाला है। गाइस सूरज आ रहा है बादलों से बाहर, लेकिन शायद अभी उसको थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैंने सोचा आपको मैं दूसरे साइड का व्यू दिखा दूं। वो हमारे सामने वाला व्यू था जहाँ हम स्टे कर रहे थे, अपनी कार लगाई थी, वो उसके सामने वाला व्यू था। और ये उसके बैक साइड वाला व्यू है जहाँ मैंने आपको बताया ना, ये रोड ऊपर जाके एंड हो जाती है। सामने जो आपको दिख रहा है वो आर्मी कैंप है, तो ये उसके बैक, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर है ये, मतलब बहुत अच्छी जगह हमें मिल गई है कैंपिंग करने के लिए। इसके चारों ओर बहुत ही अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पेड़ भी नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कुछ जगह पे बर्फ़ पड़ी हो ना पहाड़ों पे, ऐसे टूट टूट के जो बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कॉटन हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। आप सामने से देखो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कॉटन है ना, एकदम वाइट कॉटन। और इस तरफ आपको मैं वापस दिखा दूँ, सूरज जो है वो निकल रहा है, किरणें आपको साफ नज़र आ रही होंगी, ऊपर आसमान में फैल रही हैं। कुछ बादल जो हैं वो बारिश वाले अभी भी लग रहे हैं, रात को काफ़ी थे। और नीचे ऐसे वो गाना सुना होगा आपने, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है हमें। तो ये बादल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कैंडी फ्लॉस होती है ना, बस कलर ही नहीं है इसका, इसमें कलर डाल दिया जाए तो वही लगेगी। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह ऐसा व्यू देख के, दिन बन गया हमारा तो, सूरज बस आने ही वाला है अब। वैसे मुझे तो ठंड लग रही है, थोड़ी वार्मथ की ज़रूरत है, ये सूरज आए थोड़ा और कोजी कोजी लगे, थोड़ा मज़ा आ जाए। और तो देखो गाइस, हमारा सूरज जो है वो ऑलमोस्ट बाहर आ चुका है, तो अब धीरे धीरे हम अपना जो कार है उसको पैकिंग करेंगे, ताकि हम यहाँ से अब इस जगह को अलविदा कह सकें। वैसे तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट जाना तो पड़ेगा ही। फिलहाल हम पहले थोड़ी सी विटामिन डी लेते हैं, कहते हैं ना जो सूरज निकलते हुए उसकी सनलाइट में जो मॉर्निंग वाली विटामिन डी मिलती है, ज़रूर लेनी चाहिए। तो हम पहले थोड़ी सी विटामिन डी लेते हैं, थोड़ा मुझे गर्म भी लगे, फिर उसके बाद हम पैकिंग करेंगे और इस जगह को कहेंगे अलविदा। तो गाइस ये था हमारा नत्था टॉप का एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप भी अगर कैंपिंग के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही सेफ़ है, ऊपर आर्मी एरिया भी है और यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आसपास के लोगों को ज़रूर बता लें कि हम यहाँ कैंपिंग करने वाले हैं, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ताकि पता रहे किसी को कि हाँ, कोई ये ना सोचे रात को ये गाड़ी कहाँ से आ गई क्या है। इससे आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा रात को, और आपको ये भी जो एक सेफ्टी महसूस होगी कि हाँ, यहाँ पर पता है, हमने किसी को बताया हुआ है कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो आप ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, हमें सपोर्ट करें। कैसी वीडियो लगी, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय और टेक केयर।